जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। इंडियन एक्सेशन मूवमेंट, जिसकी कि मेन मेजर जनरल रिटायर्ड सतवीर साहब हैं, उनके द्वारा यह लेटर लिखा गया है 18 मई 2024 को। और यह लेटर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को लिखा गया है। और इसका हेडिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज ऑफ मिलिट्री सर्विस पे MSP इन रिस्पेक्ट ऑफ जीसीएस वार्स की MSP बढ़ाने के संबंध में है यह लेटर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो इनके द्वारा मेंशन किया गया, सिर्फ जीसीएस का ही मेंशन किया गया है। ओआरएस को इन्होंने पॉलिटिकली एक तरीके से, जिस तरह हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल बात कर रहा है, तो उस तरह से इन्होंने ओआर को बीच में लिया। उन्होंने जो बात यहाँ पे की है, सिर्फ जीसीएस की MSP बढ़ाने के संबंध में की है। उनका टोटल जो प्रिय है यही है, ओआर को उन्होंने ज़बरदस्ती बीच में लिया है। अभी इनका क्या मकसद है वो भगवान जाने, लेकिन उन्होंने जो मेंशन किया उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ऑनरेबल रक्षा मंत्री, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल पर्सनल आर एक्सपोज टू द सेम डेंजरस एंड डिफिकल्टीज व्हाइल इन मिलिट्री सर्विस। यानी इनके द्वारा कहा गया कि यहाँ समझना महत्वपूर्ण है कि सैन्य सेवा में रहते हुए सभी कर्मियों को समान खतरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्हाइल इन मिलिट्री सर्विस बिसाइड different degrees of difficulties of chain of command and other factors for the grant of MSP. अभी इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी झुका अफसर की ओर दिया है, क्योंकि MSP उनको ज़्यादा मिलती है। तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो चेन ऑफ कमांड है उसकी डिफिकल्टी के कारण जो ये मिलिट्री सर्विस पे दिया जाता है वहाँ अलग अलग दिया जाता है। MSP एज अप्रूवल बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RS 15,500 फॉर ऑफिसर्स, 10,500 फॉर मिलिट्री सर्विस MNS एंड 5,200 फॉर GCUs एंड CUs इन वार्स। यहाँ पर जो MSP दिया जाता है, ऑफिसर्स को 15,500 रुपये, MNS को 10,500 रुपये और जो GCUR हैं उनको 5,200 रुपये दिया जाता है। आगे कहते हैं कि GCUs ऑफ इंडियन आर्मेड फोर्सेज आर क्लास टू गजेटेड ऑफिसर्स। तो इन्होंने असली बात यहाँ पे इनके दिल में जो थी उन्होंने कही है। इनका मकसद या तो GCUs और OR के बीच में दरार पैदा करना है या उनको अलग करना है। तो इन्होंने कहा कि GCUs ऑफ इंडियन आर्मी फोर्सेज आर क्लास टू गजेटेड ऑफिसर्स, दे गेट दिस रैंक ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू डीप स्क्रीनिंग। यानी कि GCUs क्लास टू ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, और उनको यहाँ रैंक काफ़ी स्क्रीनिंग, डीप स्क्रीनिंग के बाद दी जाती है। द वाइड गैप ऑफ MSP बिटवीन ऑफिसर्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंड GCUs एंड CUs वार्स इज हर्टिंग द फिजिकल ऑफ दी GCUs एंड CUs एंड ORs। यानी कि जो MSP का गैप है वहाँ GCUs OR और ऑफिसर्स में एक जो है जो गैप है उस वहाँ हर्ट करता है। दे आर गेटिंग ए फीलिंग दैट दे आर बींग गिवन स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सौतेले बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का व्यवहार कर रही है। GCUs आर दी ब्रिज बिटवीन सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स एंड हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन वार एज वेल एज पीस। यानी कि GCUs एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है GCUs ऑफिसर्स और जवानों के बीच की, और इनका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे लड़ाई हो चाहे पीस हो। नंबर ऑफ GCUs एंड अदर रैंक्स इन द इंडियन आर्मी फोर्सेज ऑलमोस्ट 96%। यानी कि GCUs ORs की जो स्ट्रेंथ है इंडियन आर्मी में वह 96% के करीब है। एंड द सेम इज़ द केस ऑफ डिफेंस वेटनर्स, और सेम यहाँ इसी टाइप का रेशियो पेंशनर्स में भी है। इट इज़ अनवाइज टू कीप सच ए लार्ज फोर्स अनसर्टिफाई एंड विद ए फीलिंग दैट जस्टिस इज नॉट बींग डन टू देयर सेक्रीफाइस सर्विसेज टू द नेशन। यानी कि यहाँ उनके साथ अन्याय करना होगा और उनके दिमाग में यह फीलिंग रहेगी कि उन्होंने जो देश के लिए सेक्रीफाई किया है, सर्विस की है, उसका यहाँ पे उन्हें सही इनाम नहीं दिया गया। दिस केस हैड बीन टेकन अप बाई आर्मेड फोर्सेज हेडक्वार्टर फॉर एन इंक्रीज ऑफ MSP फॉर GCUs एंड CUs एंड ORs बट नॉट बीन अप्रूवल बाई द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि यह मामला GCUs एंड CUs और ORs के लिए MSP के वृद्धि के लिए सशस्त्र बल मुख्यालय द्वारा उठाया गया था, लेकिन सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।
आगे जनरल साहब कहते हैं कि दिस इशू हैज़ बीन टेकन अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन न्यूमरस ओकेशंस बाय द IESM. द इशू वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड विद सेक्रेटरी ESW बाय IESM डेलीगेशन ऑन 22 जून 2023. IESM strongly recommended that MSPs respect of GC wars be suitably increased to grant justice to them. ये कहते हैं कि IESM यानी कि इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट के द्वारा इस मुद्दे को कई मौक़ों पर सरकार के समक्ष उठाया गया. इस मुद्दे पर 22 जून 2023 को IESM इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट प्रतिनिधि द्वारा सचिव जो कि ESW के हैं उनके साथ भी चर्चा की गई. IESM दृढ़ता से सिफारिश करता है कि GCORs के संबंध में MSP को यहाँ पर सुटेबल एक शब्द इन्होंने दिया है सुटेबल इंक्रीज टू ग्रांट जस्टिस टू देम यानी कि GCOs का बढ़ाया जाए. सुटेबल का मतलब क्योंकि इन्होंने इस लेटर में GCOs की ही बात ज़्यादा की है. वार्स का इन्होंने ज़बरदस्ती एक पॉलिटिकल तरीके से नाम लिया है. बाकी इन्होंने इनका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि GCOs की जो MSP है वो बढ़नी चाहिए और जिस चीज़ की MSP बढ़ जाएगी तो इनका ऑटोमेटिक अंत हो जाएगा क्योंकि पार्टियां अलग अलग हो जाएगी. जिस चीज़ को छोड़ देंगे और दो तीन कारण हो सकते हैं इनके. GCOR को बांटने की एक साजिश भी हो सकती है. जिस चीज़ को MSP यदि 10,800 या 10,500 मिल जाती है तो वह अपने आप ही इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे. दूसरी बात यह भी हो सकती है कि 27 मई 2024 को यहाँ पर MSP की सुनवाई है दिल्ली हाई कोर्ट में तो कहीं से सरकार की मदद तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि यदि सरकारी वकील GCOs की यहाँ पर MSP बढ़ा देते हैं तो अभी फिर वार्स के लिए दोबारा तरीके से केस लड़ना पड़ेगा. हालांकि ऐसा नहीं होगा लेकिन एक कहीं सरकार की मदद करना साहब का मकसद तो नहीं है. अभी गुपचुप तरीके से है या क्या है ये बताना मुश्किल है लेकिन एक तरह से यहाँ पर एक शक की सुई घूम रही है. तीसरी जो बात हो सकती है कि अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अर्थात समय समय पर कुछ न कुछ लेटर सोशल मीडिया के माध्यम से देने के कारण साहब अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं. यह भी हो सकता है कि इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट को कहीं लोग भूल जाए तो ये भी उनका चाल हो सकती है या ये भी उनका एक मोहरा हो सकता है. बाकी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे दी है और यह लेटर इंडियन एक्सेसमेंट मूवमेंट के मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब के द्वारा लिखा गया है. लेकिन सतबीर साहब को सोचना होगा कि वो आर्स भी GCO जवानों की तरह ही काम करते हैं. मिलिट्री सर्विस पे हर देशों में एक समान दी जाती है. ज़िंदगी सबकी बराबर होती है तो यहाँ पर जहाँ पर मिलिट्री सर्विस पे नाम है उसका तो सबको समान मिलनी चाहिए और उसके संबंध में भी केस चल रहा है. इससे पहले उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं कही. इतने साल उनको आंदोलन लड़ते हुए हो गए. तो ये था अपडेट. अभी तक इतना ही. जय हिंद.